उत्तर प्रदेश में दीपावली पर उज्ज्वला योजना के 1 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मुफ्त रसोई सिलेंडर दिया जाएगा। योगी कैबिनेट की मंगलवार को आयोजित बैठक में मुफ्त सिलेंडर देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को होली और दीपावली पर एक एक सिलेंडर मुफ्त देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि लाभार्थी को पहले प्रचलित उपभोक्ता दर से 14 किलो का सिलेंडर रिफिल कराना होगा। उसके 5 दिन के बाद सिलेंडर को राशि उपभोक्ता के आधार प्रमाणित बैंक खाते में ऑयल कंपनियों की ओर से हस्तांतरित की जाएगी। ये सुविधा केवल उज्ज्वला योजना के एक कनेक्शन पर ही मिलेगी। प्रदेश सरकार पर इससे 2312 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। उन्होंने बताया कि दीपावली पर 2.25 करोड़ परिवारों को मुफ्त सिलेंडर मिलने से उन्हें त्योहार पर राहत मिलेगी। बता दें कि कैबिनेट ने सचिवालय स्तर पर पर्यटन पर अतिरिक्त अनुभाग सृजित किए जाने की संशोधन प्रस्ताव को भी सहमति दी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश मत्स्य पालन राजपत्रित सेवा नियमावली 2023 पर भी कैबिनेट ने सहमति दे दी है। उत्तर प्रदेश में 15 अनुसूचित जनजातियां सूचीबद्ध हैं। उनमें भौगोलिक असमानता के साथ साथ रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान और कला में पर्याप्त विविधता पाई जाती है। उन्हें संरक्षित करने के लिए मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज में जनजातीय संग्रहालय बनाया जाएगा। जनजातीय संग्रहालय की स्थापना के लिए संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा जमीन संस्कृति विभाग लखनऊ को आवंटित की गई है। केंद्र सरकार के जनजातीय मंत्रालय ने म्यूजियम के लिए प्रस्तावित जमीन अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति शोध प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ के पक्ष में हस्तांतरित करने का फैसला लिया है, जिसे कैबिनेट ने अनापत्ति दी है। प्रत्येक संग्रहालय के लिए केंद्र सरकार 15 करोड़ रुपए देगी। इसमें राज्य सरकार पर कोई भार नहीं पड़ेगा। संग्रहालय में जनजातियां जीवन से जुड़ी जानकारियों, सूचनाओं, फिल्मों, चित्रों आदि का प्रदर्शन डिजिटल थिएटर में किया जाएगा। ट्राइबल आउटलेट्स के माध्यम से जनजातियों द्वारा तैयार उत्पादों का विक्रय किया जाएगा। प्रदेश में सरकार की ओर से तैयार कराए गए 4 राज्य के पॉलिटेक्निक व 3 राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी कि ITI को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP मॉडल पर चलाने का निर्णय भी लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को इसकी सहमति मिल चुकी है। बता दें कि प्राविधिक शिक्षा प्रभाग के प्रस्ताव के अनुसार इनका संचालन निजी सहभागिता के से किया जाएगा। इसके अनुसार बाराबंकी, हरदोई, कन्नौज व सहारनपुर में नई बनी पॉलिटेक्निक व प्रतापगढ़, मुरादाबाद और इटावा की नई ITI के PPP मॉडल पर चलाने को कैबिनेट ने सहमति दे दी है। कैबिनेट की सहमति के बाद अब शासन स्तर पर इसकी विस्तृत नियमावली तैयार कर MOU किया जाएगा। इसके बाद नए सत्र में इनमें पठन पाठन शुरू किया जाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।